पेट बढ़ गया था हमारा। अच्छा हाँ, देख लो भाई छोटे छोटे बच्चों का राइड कर रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है। रास्ता बड़ा खाते हैं भाई, रास्ते में चलते हुए चिको फेड़ में भाई अंदर जा रहे हैं, देख रहे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हम रात को हम पहुंच चुके थे वेजापुर, और जो भाइयों ने हमें होस्ट करा था ना, जिनके वहाँ हम रुके थे, तो भाई ये लोग भाई थे। तो देखो मॉर्निंग में हम 8 बजे भाई के घूमने आए थे साइकिल में। तो भाई जी आपके सबके ग्रुप कपड़े एक जैसे हैं सबके, क्या है उद्देश्य आपका साइकिल के चलाने का? एक तो कैसे हम एक साथ रहना चाहते, वी आर द इंडियन पीपल। एंड दूसरी एक बात है, आपने जो कहा था कि हफ्ते में कम से कम एक बार अगर बाइसिकल चलाओगे तो अपन पोल्यूशन कम कर सकते हैं और अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। इसके वास्ते हम एक साथ हुए हैं हफ्ते में। हम तो हर रोज साइकिल चलाते हैं। नहीं वैसे कब से स्टार्ट करा हुआ आपने ये ग्रुप, जैसे आपका एज ग्रुप हुआ है? ग्रुप तो 2017 से चालू है हमारा, स्विमिंग का ग्रुप है हमारा। नहीं साइकिल कब से हुई है? पहले तो स्विमिंग करते थे हम, 4-5 साल हो गए अभी स्विमिंग करते थे। हाँ। अभी साइकिल लेके हमको 1 साल हो गया। हाँ। 1 साल से 1 ईयर से हम साइकिल चलाते थे, और साइकिल का ये भी नहीं फिट हो गया हमको, ऐसा पेट बढ़ गया था हमारा। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन वो पेट भी पूरा एकदम स्लिम हो गया। मैं तो हाँ। मैंने तो 1 साल हो गया साइकिल लेके। इसके 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे, आपके तो फिटनेस भी आपकी हो गई है, फिटनेस भी हो रहा है, और पोल्यूशन बचा, और पेट्रोल भी बच रहा है हमारा। और ग्रुप में कितने ज्वाइन हो गए आपके अभी तक? हमारे ग्रुप में अभी 45 लोग हैं। 45 लोग हैं। हाँ, और मैंने कल भी देखा ना कि जैसे हम आए थे ना, तो एक भैया थे, कौन से मैं भूल गया, जो हाँ भैया ही भैया, तो एक्चुअली कल ही ये साइकिल लेने गए अपने, कहते हैं डिकैथलॉन से। हाँ, हमें हाँ। देख के सीधा, तो मैंने कल, भैया आपने कल क्यों डिसीजन लिया साइकिल का? कल भाई, ये भाई लोगों को देखा और समझ में आ गया कि जो बॉडी में जो ट्रांसप्लांट होता है बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस इन लोगों में देखा और हमारे सब बंदों में भी देखा, 1 साल से क्या क्या चेंजेस आए, तो मैंने ये साइकिल ले ली और आज से मैं स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट टाइम आपने साइकिल चला रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, एक नंबर। आज के बाद मैं ना कार चलाऊंगा ना मोटरसाइकिल चलाऊंगा, यही मेरा ये साइकिल लिए। सर अभी साइकिल उठा के दिखा दे, साइकिल उठा के दिखा दे। ऐसे 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 नीचे दया, ये देख लो भाई। सर आपकी एज क्या है? 46। देख लो 47-46 की एज में भी भैया देख लो कैसे लग रहे हैं। देखो भाई फिट होना जरूरी है आज के टाइम पे, और देखो इतना ग्रुप लोगों ने, और हमको कल इन्होंने होस्ट करके ना हमें सम्मानित किया भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और इनको देख के हमको अच्छा लगा कि भाई हम जब निकलते हैं ना कहीं, ऐसे लोग हमें मिलते हैं भाई लोग, तो हम मोटिवेट होते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं, और ऐसे लोग को देख के तो भाई हमें तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इनसे हमको सीखने को मिलता है, और भाई से तो हमें सीखने को मिल ही रहा है, आप भी कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, ठीक है ना भैया? तो हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, ये भी तैरते हैं और ये भी साइकिलिंग करते हैं, और ये बच्चे भी साइकिलिंग चलाता है। हाँ, इसका वीडियो भी मैं भेजूंगा आपको। क्या उम्र इसकी? हाँ, ये उम्र है इसकी 3-3.5 साल। साइकिलिंग भी करते हैं। और एक बार ये कहते मेन जगह का नाम बता दो जहाँ से आप सब हो। नारंगी सारंगी डैम बीजापुर। अच्छा, महाराष्ट्र डैम है पूरा यहाँ। मॉर्निंग में देखो ये सब कहते हैं यहाँ पे तैरने आते हैं पूरे, तो देखो कहीं फिटनेस को लेकर तो पहले ही अपने जागरूक थे, पर इन्होंने अब साइकिल ले लिया ऑलरेडी सबने, तो और हो गए। तो भैया थैंक यू, आपने धन्यवाद जो आपने हमें सम्मानित किया कल, और आपका धन्यवाद। देख लो भाई छोटे छोटे बच्चे राइड कर रहे हैं सुबह सुबह। क्या नाम है आपका? वेदिका। देख लो भाई कितनी स्पीड में साइकिल चला रही है हमारे साथ। और बाबू का नाम क्या है? सौरभ। सौर्य। देख लो भाई सुबह सुबह गए थे राइड पे, अब आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, तो चलते हैं सीधा, अपना निकलना भी है टाइम पे, तो 8:30 होने वाले हैं, जल्दी निकलते हैं। तो फिलहाल अपना सामान वामान रेडी हो गया, अब निकलने को रेडी हो गए, तो भैया जी मिल गए रास्ते में, और सारे भैया तो चले गए होंगे ड्यूटी उड़ी। हाँ, सब निकल गए। चलो निकलते हैं भैया, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर। दिल्ली आओगे? आओगे जाएंगे ना। चलो मिलते हैं। फिलहाल अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आ गया क्या था भैया इसका नाम? रस्सा बड़ा। देख लो भाई पहली बार खा रहे थे रस्सा बड़ा, ये होता है रस्सा? ये रस्सा ये बड़ा। अच्छा, पाव के साथ प्याज, ठीक है। रस्सा बड़ा खाते हैं भाई, देखते हैं कैसा टेस्ट है, एक बार पहले रस्सा पी लेते हैं थोड़ा सा। सही है, चलो अभी खा लेते हैं पहले। तो अपना सफ़र स्टार्ट हो गया, और सामने से देखो भाई कैसे बैलगाड़ी आ रही है, देख रहे हो आज भी ये यूज़ होता है, लोग गांव वाले लोग भी अभी भी इसको यूज़ करते हैं, तो इस तरह लोग यूज़ करते हैं अभी भी, सामने से भी आ रही है। तो अभी सफ़र स्टार्ट हो गया अपना, तो सीढ़ी यहाँ से 40 किलोमीटर है, और कहते हैं आज ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे और आज ही दर्शन कर लेंगे। रोज़ पहुँचते हैं, सोचते हैं कर लेंगे, पर कोई ना कोई भाई साहब हमें रोक लेता है, तो हम उनके साथ मिलने के लिए रुक जाते हैं, तो आज जल्दी पहुँचेंगे, यहाँ दर्शन भी कर लेंगे, फिर कल को आगे को बढ़ेंगे नासिक की तरफ को। यार अभी रुके हुए हैं, तो ना गन्ने का जूस पीना था एक्चुअली, तो इनके पास तो गन्ने हैं नहीं, तो इनसे हम बोल लेते गन्ना जूस पीने के लिए,
एक्चुअली सामने से आ रहा है ट्रक, आ रहा है ट्रैक्टर, आ रहा है सॉरी, तो उनसे हम बोलेंगे हमें गन्ने दे दो और यहाँ से हम जूस निकलवा लेंगे। तो देखते हैं सामने से गन्ने वाले भाई से गन्ना मांगते हैं, गन्ना मिलता नहीं मिलता देखते हैं भाई, गर्मी बहुत तकरीबन से करेंगे जूस पी लेंगे और सामने मशीन कोई से निकलवा लेंगे अपने गन्ने का जूस। उसने तो हमें रोका, उसने तो रोका नहीं, बट ट्रैक्टर हमने ना भाई चलते थे भाई ने भागते भागते में एक गन्ना यहाँ निकाल के फेंक दिया और भाई ने दूसरा गन्ना वो निकाल के लिए आया। तो चलते चलते भागते भागते हमने दो गन्ने निकाल लिए, तो इसका रस निकालते हैं, रस पीते हैं यार, पहले बहुत प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए। चल देखते हैं, ले भाई ने निकाल लिए भाई दो, ये खिलाड़ी देख लो फौजी बन गया है बंदा, निकाले दो, इतने हो जाएगा हमारा दो गिलास तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, चलो निकालते हैं इससे भाई। फिलहाल अपना गन्ने का जूस निकल गया, देखो ये रहा, अब इसमें डालेंगे बर्फ। तो हमने दो जो गन्ने निकाले थे ना उनका रस है, तो इनका रस निकल गया, बहुत ज़्यादा निकल गया, अब डालते हैं बर्फ़ और फिर पीते हैं भाई चिड़ चिड़ अपना गन्ने का जूस, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जूस देखो ये रहा, तो इसे पीते हैं पहले, मस्त हो गया भाई, थोड़ी बर्फ़ डाल दी, मस्त हो गया, ये पीएंगे ना गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, इसको पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भाई सामने रोड में देखो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पुल ऐसा नहीं कहने का मतलब, यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं होता, यहाँ पुल बोलते हैं। और यहाँ डैम देखो भाई पानी का कितना बड़ा है और कितना पानी भाई कितना साफ दिख रहा है, देख रहे हो सामने, अभी धूप की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर बहुत बड़ा डैम है, इधर भी देखो सामने बहुत ज़्यादा भाई बहुत बड़ा है। अभी सिटी की तरफ पहुँच रहे हैं यहाँ दर्शन वर्शन करने, तो अभी पहुँच रहे, अभी बज रहे हैं 2 बज रहे, तो 4 बजे तक ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे दर्शन वर्शन करेंगे टाइम पे, रात ही 11 बजे तक खुलता है। तो महाराष्ट्र में सिटी मंदिर साई बाबा का मंदिर है, तो आज तो सैटरडे या संडे ना सब वहाँ पे, तो देखते हैं कैसा होता है माहौल वहाँ पे, क्राउड बहुत ज़्यादा होगा आज, तो टाइम पे दर्शन करते हैं पहले, जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आज ना धूप बहुत ज़्यादा लग रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार आज के टाइम, आज इतना आगे बढ़ रहे हैं ना, हवा बहुत कम लग रही थी, अभी थोड़ी यहाँ पे हवा लगने लग गई है, स्टार्ट हो गया, तो पहले जब आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जल्दी बढ़ते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा धूप हो गई। तो देखो सामने हमें चिकू का पेड़ मिला भाई, अभी रास्ते में चलते हुए चिकू का पेड़ मिला भाई, अंदर जा रहा है देख रहा पके हुए हैं कि नहीं, कैसे कच्चे होंगे, मेरे को लग ही रहा था कच्चे होंगे, एक भी पका हुआ नहीं है, एक भी पका हुआ नहीं है, चिकू नहीं है, ये वो है क्या, तो अखरोट होंगे यार, ये अखरोट आड़ू आड़ू तो नहीं है, अरे नहीं यार अखरोट यहाँ से कैसे हो जाएंगे भाई, कुछ और ही है, चिकू नहीं है सॉरी, हम सोचे चिकू में मौज आ गई कर सोच रहे थे, कुछ नहीं आई, तो चलते हैं यार अभी, चिकू नहीं मिले। तो फिलहाल हम आ गए भाई साई बाबा के मंदिर पर, एक्चुअली मंदिर वहाँ पे अभी दर्शन करने बाद में जाएंगे, तो पहले इससे पहले ना हम भक्त निवास में रूम ले रहे हैं, उसके लिए आपको एक फ़ोटो कापी लगेगी, तो यहाँ पे 10 रुपये चार्जेस है बैठ के, तो वो लेते हैं पहले, फ़ोटो कापी देते हैं और फॉर्म हम भरते हैं पहले यार, फॉर्म भरना है, अंदर चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम खत्म ने अपने लॉकर वॉकर रूम बुक कर लिया है, पर रूम ना जो रूम की चाबी होती है ना वो सबको 8:30 बजे मिलेगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे बगल में आपको साई आश्रम मिल जाएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, यहाँ पे अपनी मर्जी से जितना मर्जी लो, यहाँ पे मिठाई भी अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो पहले खाना वाना खा रहे हैं, दर्शन करो, क्या करना है सुबह भाई, दर्शन हम करेंगे सुबह, क्योंकि ना अभी ना हमें रूम नहीं मिला, क्योंकि नहा धो के जाएंगे सीधे आराम से फ्रेश होकर सुबह, तो सुबह सुबह जल्दी से दर्शन कर लेंगे, पहले खाना वाना खाते हैं, फिर शाम को अपना रूम वूम लेते हैं, रूम आपको दिखाऊंगा कितने से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसा रूम मिला है, हॉल मिलता है, बेड मिल जाता है आपको, चार्जिंग वाली सब कुछ मिल जाएगी। तो पहले हम खाते हैं खाना, खाना वाना खा के आ गया, और सामने जो ना अब यहाँ पे हमने रूम लिया ना, एक्चुअली वहाँ पे 2 रुपये की चाय और 3 रुपये की कॉफ़ी मिलती है, जहाँ पे मैंने 3 रुपये की कॉफ़ी ली है, भाई ने 2 रुपये की चाय ली है, तो चाय और कॉफ़ी पीते हैं भाई खाना खाने के बाद, बस अच्छी हो रही है भाई, यहाँ पे आके कॉफ़ी और चाय पी सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो सस्ती में हैं, 2-3 रुपये की है ले सकते हो, 3 रुपये का दूध भी है, चलो हम पी लेते पहले। फिलहाल अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ ना, मैं आपको बाहर से उसका व्यू दिखाता हूँ, एक्चुअली देखो ये व्यू है, और बीच में आपको पार्क मिल जाएगा यहाँ पे रात को घूमने या बैठने के लिए, तो लोग बैठे हुए हैं, और सामने जितने भी आपको रूम दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 200 रुपये चार्जेस है, अब अपनी फैमिली के साथ आके रह सकते हैं और पर्सनली भी रह सकते हैं 200 रुपये चार्ज, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो हमने फ्री वाला लिया, जिसमें आपको कहते हैं हॉल मिल जाएगा और बेड मिल जाएगा और सामने चार्जिंग स्लॉटिंग मिल जाएगा, तो हमको तो उससे चल जाएगा हमारा काम, तो आपको चाहिए होगा तो आप 200 रुपये रूम ले सकते हैं सीढ़ी के पास, ये आपको आश्रम पड़ जाएगा यहीं पर 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ पे आपको सीढ़ी साई बाबा का मंदिर पड़ेगा ना, उससे 2 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, ये आपको आश्रम मिल जाएगा यहाँ पे, तो इधर आ जाना, तो देख लो व्यू कितना प्यारा व्यू है भाई जी। फिलहाल खाना खाने आया था शाम को 7 बजे, तो देखो भीड़ कितनी लंबी लाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है आपको यहाँ पे फ्री में, तो आप खाना खा सकते हैं यहाँ पे, तो खाना वाना हमारा हो गया, आप चलते हैं रूम पे। तो फिलहाल अपने रूम की तरफ आया ना भाई, पार्क में देखो क्या देखने को मिला, इतना प्यारा लग रहा है, होली है, होली का गाना चल रहा है, आप चलते हैं रूम पे सीधा।
भाई ये हॉल मिला हुआ है हमें, भाई ये हॉल मिला हुआ है हमें सामने से, तो ये हॉल दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का आपको रूम मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, तो भाई इस तरह रह सकते हो, तो इस तरह रहना। वीडियो को यहीं पे एंड करके भाई सो रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे दर्शन करने जाने हैं साईं बाबा के। 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे अपना नहा धो के 5-5:30 तक यहाँ से बस जाती है, तो बस में बैठ के निकल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।